ये कुरान के आगे मैं बात कर रहा हूँ, इमरान खान में चोरी नहीं है। इमरान खान अगर सजा काट रहे तो इस फॉर्म की वजह से काट रहे, इमरान खान चोर नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कुछ रोज़ पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के तमाम सियासी पार्टी के लोग करप्ट हैं, वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं हैं। जब सब सियासी पार्टियों की बात होती है तो उसमें इमरान खान साहब और तरीके इंसाफ भी आते हैं, जिसके ऊपर आवाम का सख्त रद्द अमल सामने आया है और उन्होंने इमरान खान साहब की सच्चाई और ईमानदारी की गवाही दी है। आपको पहले ये क्लिप सुनवाते हैं। ये कुरान के आगे मैं बात कर रहा हूँ, इमरान खान में चोरी नहीं है। इमरान खान अगर सजा काट रहे तो इस फॉर्म की वजह से काट रहे, इमरान खान चोर नहीं है। पानी का कबूतर हुआ था छोड़ के जाता है यार, खुदा दे बंदे हो, ऐसे आदमी को हमने जेल में डाला हुआ है। जो चोर है लंदन में, किसी के चोर है वो लंदन में, किसी के लिए इतना बड़ा कसम नहीं, खुदा की कसम इमरान खान चोर नहीं। एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, आज इमरान खान को छोड़ दो, ओवरसीज पाकिस्तानी को इमरान खान अपील करेगा, खुदा की कसम ये पाकिस्तान का कर्जा उतार देगा, नहीं तो ये कुरान आगे रखो। किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी ताकत उसकी अवाम होती है, अवाम की राय सबसे मोतबर होती है, और जिस शख्स के लिए अवाम गवाही दे रही है कि वो करप्ट नहीं है, तो एक या दो शख्स या किसी एक इदारे के कहने से कोई करप्ट नहीं हो सकता, ना कोई मासूम हो सकता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान साहब के हवाले से लोग यहाँ तक जानते हैं कि उसने अभी तक प्राइम मिनिस्टर हाउस की आधी पानी की बोतल ज़ाया नहीं की, तो वो इस मुल्क के पैसे कैसे चुराएगा, वो इस आवाम के टैक्स के पैसे ज़ाया कैसे करेगा। वो शख्स जिसने अपनी तमाम कमाई के पैसे शौकत खानम के अस्पताल में खैराती कामों पर लगा दिए, और जिसने मरने के बाद ये वसीयत की है कि उनकी जितनी भी जायदाद है वो इस कौम के लिए इस्तेमाल होगी, इसके अलावा किसी को ये नहीं मिलेगी, तो आप उस शख्स को किस तरह करप्ट साबित कर सकते हैं। आवाम यह भी जानती है कि इमरान खान साहब अगर जेल में हैं तो तोशाखाना केस सिर्फ बहाना है, इमरान खान निशाना है, इमरान खान साहब ने कोई करप्शन नहीं की है। कुछ लोग इश्तहारात चला कर भी अपने आप को मासूम साबित नहीं कर पा रहे हैं, मगर दूसरी तरफ वो शख्स जो जेल के अंदर बैठा है, मगर आवाम उसकी ईमानदारी और सच्चाई की गवाही दे रही है। बाकी आप खुद बेहतर जानते हैं कि कौन इस मुल्क में करप्ट है और कौन ईमानदार। इस हवाले से आप भी अपनी राय दीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें।